हाँ, तो ये बताइए कि स्टेम को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बताइए स्टेम क्या क्या फर्क आता है स्टेम में और रूट में। हाँ जी, तो पहली बात, डेवलप फ्रॉम किससे डेवलप होगा? प्रीमियम प्लीम्यूल। जब के रूट किससे डेवलप हो रही थी, याद करिए, रेडिकल रेडिकल से। और स्टेम के ऊपर क्या होगा, नोड एंड इंटरनोड होगा या नहीं होगा, जबकि रूट पे नोड और इंटरनोड यस सर, एब्सेंट होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने कहा कि यस सर, हैव नोड एंड इंटरनोड, तो क्या क्या होगा, नोड्स एंड इंटरनोड, नोड और इंटरनोड होगा। क्लियर है बात? नहीं है? यस सर, ओके okay. अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि रूट के ऊपर होता था नोड और इंटरनोड या नहीं होता है? नो सर, एब्सेंट होता है। बिल्कुल एब्सेंट होता है। और तीसरी चीज, अगर देखा जाए तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। कैसा है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और कह सकते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, क्या ये बात सही है? यस सर, ओके okay. चलिए, इसके बाद ये बताइए इसका काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टेम का, जल्दी से बताइए सोच के। दैट इज अ, हाँ जी, फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है बताइए जल्दी से। क्या लगता है अगर स्टेम नहीं होगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी? यस हाँ जी, यस वी आर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर। क्या क्या बियर करेगा ये स्टेम? लीव्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर। फ्लावर्स, जी, और याद करिए स्टेम के अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं, याद है? नहीं है? यस सर, तो ये कंडक्शन में हेल्प करेगा नहीं करेगा? तो यस सर, यस सर, इट कंडक्ट वाटर एंड यस मिनरल्स। क्या ये बात सही है या नहीं है? सर, किस किस को कंडक्ट कर रहा है ये? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटेट। फोटोसिंथेटेट और किसको कंडक्ट कर रहा है? फोटोसिंथेटेट का मतलब हुआ डेट इज अ फूड। फूड, क्लियर? इसके अलावा यस अगर यस देखा जाए तो ये और किस में काम करेगा? दैट इज एन स्टोरेज ऑफ फूड में। ठीक है, सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्रोपगेशन, इनमें हेल्प करेगा। ये है फंक्शन बेसिकली स्टेम का। कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्टेम। दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्टेम। तो इसमें सबसे पहले आ जाइए, तो दिस इज द कॉर्डेक्स और कॉलमनर। हाँ जी, याद करिए जल्दी से, कॉर्डेक्स और कॉलमनर किसको कहते थे? मैंने बताया था। लीव्स प्रेजेंट एट द एपेक्स, ओके, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अनब्रांच स्टेम होगा, है या नहीं है? अनब्रांच यस स्टेम सर, विच बियर लीव्स एट देयर एपेक्स। विच बियर देयर लीव्स एट देयर एपेक्स। क्या ये बात क्लियर है?
यस ओके एग्जांपल बताइए हाँ जी पाम हो गया साइप्रस हो गया शुगर केन हो गया ठीक है यस सर नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ कर्म पर कर्म जानते हैं नहीं जानते सी यू एल एम नो सर नहीं जानते हैं अच्छा ठीक है कभी आपने गन्ना देखा है यस यस सर अगर आपने गन्ना देखा है तो उसमें नोड और इंटरनोड क्लियरली नजर आता है नहीं आता है यस यस सर यस सर ठीक है इसी तरह कभी बांस देखा है बांस बैम्बू बैम्बू देखा है हाँ उसमें भी क्लियर कट नोड और इंटरनोड नजर आता है समझ रहे हैं और अगर देखा जाए तो ये जो मैंने जितने अभी बात की है ये अंदर से हॉलो होते हैं कैसे होते हैं अंदर से हॉलो हॉलो तो हॉलो स्टेम को हम कहते हैं कर्म क्या कहलाते हैं कर्म और दैट इज अ पॉइंटेड स्टेम कैसे होंगे ये जॉइंटेड स्टेम विद सॉलिड नोड एक तो जॉइंटेड होंगे और इसकी नोड कैसी होगी सॉलिड होगी वाइल इंटरनोड इज हॉलो वाइल इंटरनोड इज हॉलो तो इसकी पहचानने का तरीका है यानी कर्म नाम के स्टेम को पहचानने का तरीका है कि ये बिल्कुल बैम्बू के जैसा नजर आएगा उसमें नोड और इंटरनोड क्लियर कट नजर आएगा बिल्कुल क्लियर कट नजर आएगा क्लियर है बात Yes, तो नेक्स्ट आ जाइए इसका एग्जाम्पल हो गया दैट इज अ बैम्बू ठीक है और इसके अलावा शुगर केन ठीक है शुगर केन में भी देखेंगे तो नोड और इंटरनोड क्लियर कट नजर आता है बात यहाँ तक समझ में आ रही है नहीं आ रही यस सर ओके तो नेक्स्ट आइए अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ बात समझ आई यस सर ओके नेक्स्ट आइए दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पर किसका मॉडिफिकेशन स्टेम का मॉडिफिकेशन है ठीक है इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि एक है दैट इज अ सब एरियल स्टेम हाँ जी सब एरियल स्टेम है और सब एरियल ऐसा है कि ये क्रीपिंग स्टेम है कैसा स्टेम है क्रीपिंग स्टेम दैट इज अ क्रीपिंग स्टेम क्रीपिंग का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जमीन है दिस इज अ लैंड सरफेस किसका सरफेस है लैंड सरफेस लैंड सरफेस है और अगर देखा जाए तो ये रूट आ गई ठीक है और ये ऐसे करके इस तरीके से जमीन पे ऐसे फैला हुआ ठीक है इस तरीके से फैल रहा है बात समझ में आ रही है तो जब जमीन पर फैल रहा है तो ये क्रीपिंग स्टेम हुआ और जमीन के ऊपर है या नीचे जमीन के ऊपर बताइए ऊपर तो इसीलिए दैट इज अ सब एरियल स्टेम क्या कहलाता है सब एरियल स्टेम बात समझ गए इसमें सबसे पहले आ जाता है रनर क्या आ जाता है रनर अब अगर देखा जाए जेबा देख लीजिए ये बेसिकली लैंड सरफेस है कौन सा सरफेस है ये लैंड सरफेस दिस इज लैंड सरफेस और इस पर अगर देखा जाए तो ये ऐसे ग्रो हुआ और ये यहाँ पर इस तरीके से ग्रो जहां जहां जमीन से टच हो रहा है वहां वहां इसमें रूटिंग हो रही है वहां वहां क्या हो रही है रूटिंग हो रही है लेकिन एक खास बात यह है कि जब भी रूटिंग होगी वो नोड से होगी कहां से होगी नोड नोड से कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है यस सर यस सर
देख लीजिए, ये पहले तो पहली बात ये मेन रूट थी, दिस इज मेन रूट, लेकिन जब ये ग्रो किया जहां जहां ये टच होता गया वहां वहां इसने रूटिंग डेवलप कर दी। क्लियर है बात? नहीं है? यस सर। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, रूट जब भी निकलेगी तो ये कहां से निकलेगी, किस जगह से निकलेगी? नोड। दैट इज नोड से। अच्छा, अगर जरा देखिए इसको तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है जिसने एक पैर यहाँ रख दिया, फिर अगला पैर यहाँ रख दिया, फिर अगला पैर यहाँ रख दिया होगा, ऐसा नहीं लग रहा है? बताइए, दौड़ता। yes, इसीलिए सिस्टम का क्या नाम पड़ गया? रनर। दैट इज अ रनर। तो मैंने कहा कि इन दिस टाइप रूट डेवलप एट लोअर साइड। रूट कहाँ डेवलप हो रही है? एट लोअर साइड। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द नोड। नोड से। क्लियर है बात? ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? तो एग्जाम्पल हो जाएगा डेट इज ग्रास, स्ट्रॉबेरी नहीं बल्कि ग्रास। फिलहाल तुम ग्रास याद रखो, ठीक है, ऐसे तो कई जगह पे मिलेंगे, ठीक है, तो डेट इज ग्रास को याद रखो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ग्रास हुआ, इसी को आप ग्रास को भी धूप ग्रास भी कहते हैं, यानी जो ग्रास आप देख रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं आप? डेट इज धूप ग्रास। और इसको साइंटिफिक नाम है इसका, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। हाँ जी, क्या नाम है इसका? डेट इज अ साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। क्लियर है बात? नहीं yes, है sir. अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी लिख लीजिए इसके अंदर, डेट इज एन ऑक्सलिस। ठीक है, ऑक्सलिस भी लिख लीजिए। हो गया रनर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आइए डेट इज एन स्टोलन पर। स्टोलन की अगर बात करें तो तो दिस वन इज स्टोलन, इसको क्या कहते हैं आप? स्टोलन। तो मैंने कहा कि इन दिस टाइप स्टेम ग्रो इन आर्च। स्टेम कैसा ग्रो कर रहा है? आर्च में ग्रो कर रहा है, समझ रहे हैं? एंड फाइनली टच द ग्राउंड एंड फॉर्म न्यू प्लांट। जब जमीन से टच हो रहा है और क्या बना रहा है?
न्यू प्लांट फॉर्म कर रहा है या शूट फॉर्म कर रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो एग्जांपल इसकी बात कर लें तो ये आ जाइए मिंट पर, ठीक है, बनाना पर, एक मिनट, क्या हो गया था, स्टोलन की बात हो रही थी ना, तो स्टोलन में यह है जैस्मीन, ठीक है, और पेपरमिंट का नाम सुना है? यस यस सर जी, पेपरमिंट, और ये है बेसिकली स्ट्रॉबेरी भी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी कर दीजिए, ये एग्जांपल्स हैं स्टोलन के। हो गया? Yes, sir. पर वाइल्ड स्ट्रॉबेरी का मतलब? वाइल्ड स्ट्रॉबेरी का मतलब एक तरीके की वैरायटी है स्ट्रॉबेरी की। ठीक है, तो नेक्स्ट आई है दैट इज अ सकर्स पर, अभी क्या था स्टोलन, अब क्या है दैट इज सकर्स। तो अगर सकर को देखें इस तरीके से ये ग्रो कर रहा है प्लांट, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर रूटिंग हो गई, ये रूटिंग हो गई इस तरीके से, ये रूटिंग हो गई है, तो ये कहलाता है सकर्स। क्या कहलाता है? ये सकर्स। तो ये कौन सा स्टेम था? दिस इज द मेन स्टेम है ये, और इससे अगर देखेंगे ठीक है इस तरीके से ग्रो होगा। तो आइए सकर्स पर, मैंने कहा कि इन द मेन स्टेम द ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम नोड। ब्रांचेस भी कहां से डेवलप हो रही है देख लीजिए जरा, नोड एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल बात यहां तक समझ गए? यस सर। आ जाइए मिंट पर, मिंट माने क्या होता है? पुदीना। यस। और पाइनएप्पल, इसी तरह क्राइसेंथिमम। ज़ेबा क्या लिखा है ये मैंने? हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या पढ़ेंगे इसको? क्राइसेंथिमम। क्लियर है ये बात? तो ये क्राइसेंथिमम किसका एग्जांपल है? सकर्स का। क्लियर है? सॉइल से क्या बाहर आ जाता है इसमें? देखिए ये सॉइल से, देखो ये ब्रांचेस बाहर आ रही है देखो,
और जो ब्रांचेस हुई थी वो ब्रांचेस जो है वो मिट्टी के अंदर ही हुई है. देखो ये मिट्टी है, दिस इज सॉइल है, ठीक है. तो अगर आप देखें तो सॉइल के अंदर से ब्रांचेस निकली, और सॉइल के अंदर से जब ब्रांचेस निकली है तो यहीं पे रूटिंग हो गई है, देख रहे हैं. और जब रूटिंग हो गई है तो दिस इज कॉल्ड एज सकर. बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? और देखिए इसका मेन स्टेम ये था, ये ब्रांचेस, ये सकर जो था ये ब्रांचेस है. और याद रखिएगा कि जब भी ब्रांचेस निकलेगी या फिर रूट निकलेगी वो हमेशा कहां से निकलेगी? नोड. दैट इज नोड से. तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ऑफसेट्स पर. हाँ जी, किस पर? ऑफसेट्स. ओके, पहली चीज अगर आप ऑफसेट देखें तो ये है पानी, ठीक है. ये क्या है? दिस इज पानी है ये. क्लियर? यस. ओके, और अगर देखा जाए तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है. हाँ जी, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं. यस सर. ओके, तो ये जो पानी के अंदर ये जो मोटा सा स्टेम नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं नजर आ रहा है? यस. हाँ जी, दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट्स. और खास बात ये है, देखिए खास बात इसकी ये है कि ये नोड है, ये नोड है, तो देख रहे हैं नोड है, तो ये ऑफसेट वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? इंटरनोड. तो देख लीजिए कि ऑफसेट जो है वो किसके बराबर है? एक इंटरनोड के बराबर है. दिखाई दे रहा है ऑफसेट किसके बराबर है? यस सर. एक इंटरनोड के बराबर है या नहीं? बताइए जल्दी से. यस सर. हाँ जी है. तो यहां पर आपने कहा कि दैट इज जनरली अकर इन एक्वेटिक प्लांट्स. कहां पर मौजूद होगा, किसमें मिलेगा? एक्वेटिक प्लांट्स. तो ये लोटस है क्या? नहीं, लोटस नहीं है, अभी बताते. विच हैव फ्रेजाइल स्टेम, यानी आसानी से टूट जाएगा. फ्रेजाइल का मतलब होता है टूट जाएगा आसानी से, समझ रहे? फ्रेजाइल स्टेम. फिर मैंने कहा कि इंटरनोड ऑफ ऑफसेट आर स्मॉल. इंटरनोड जो है वो बहुत छोटी होगी, ठीक है. यस सर. एंड थिक, मोटा होगा काफी. एंड ईच नोड बियर टफ्ट ऑफ लीव्स. टफ्ट ऑफ लीव्स यानी हर नोड क्या बियर करेगी? टफ्ट ऑफ लीव्स. हाँ जी, दैट इज अ टफ्ट ऑफ बियर टफ्ट ऑफ लीव. टफ माने क्या होता है? बंच. दैट इज बंच. तो आपने लिखा है एंड बियर नो ईच नोड बियर टफ्ट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट, ठीक है. और टफ्ट ऑफ लीव्स is called, tuft of leaf is called rosette of leaves. Tuft को क्या कहते हैं हम? Rosette of leaves. अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि अगर आप इस नोट पे देखें तो ऐसे करके लीफ निकली हुई है, नहीं निकली हुई ऊपर की तरफ? यस सर. हाँ जी,
अच्छा, इस टफ्ट को आप क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। रोजेटी ऑफ लीव्स। रोजेटी। और इसके ठीक नीचे की तरफ ये क्या निकली हुई है, जल्दी से बताइए। रूट्स। दैट इज रूट्स निकली हुई है। और ये नोड और इस नोड के बीच में ये क्या मौजूद है, इंटरनोड। दैट इज वन इंटरनोड। और ये मोटा सा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, इसके बिना पर ये पानी के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, यानी पानी के सरफेस पर फ्लोट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि एक्वेटिक रनर है ये। क्या है? एक्वेटिक रनर। दैट इज एन एक्वेटिक रनर है ये। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, इसने पूछा था क्या कहते हैं, आफिया ने, आफिया ने कहा था कि ये कहाँ पे देखने को, लोटस नहीं है ये। एक्चुअल में कभी आपने देखा होगा ये जितनी भी पॉन्ड वगैरह देखे, पॉन्ड yes, sir. और पॉन्ड के अंदर इकॉर्निया देखा, इकॉर्निया वाटर हाइसेंट देखा है? ये क्या है? पॉन्ड के अंदर इकॉर्निया वाटर हाइसेंट। यस सर। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ऑफसेट का? हाँ जी, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा डेट इज अ वाटर हाइसेंथ। क्या हो जाएगा? वाटर हाइसेंथ या इकॉर्निया क्रासिपस। क्या नाम है इसका? इकॉर्निया। इकॉर्निया याद कर लीजिए, डेट इज अ इकॉर्निया क्रासिपस। ये बात याद रहेगी, कॉमा लगा के पिस्टिया भी, दैट इज पिस्टिया भी। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद आ जाइए सेकंड नंबर पर। अभी तक आपने देखा था दैट इज अ सब एरियल स्टेम थे सब, अब ये सब के सब अंडरग्राउंड स्टेम है। कौन से स्टेम है ये? अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो मैंने कहा कि सच स्टेम हेल्प इन फूड स्टोरेज, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ जी, इस तरीके के स्टेम किस में काम करेंगे, जल्दी बताएं। फूड स्टोरेज में और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए इसमें डेट इज आ ट्यूबर पर। ट्यूबर की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल है ट्यूबर का। अच्छा ये बताइए, आलू स्टेम है या रूट है? रूट। तो ये बेसिकली ट्यूबर जो है, दिस इज इसका एग्जांपल है पोटैटो। हाँ जी, अब बताइए आलू जो है स्टेम है या रूट है? स्टेम। जी, आलू स्टेम होता है, बताइए हद होती है, ये तक नहीं पता इनको। ऐसे ही होता है आलू? ऐसे ही होता है आलू? यस सर। नहीं? यस सर। ओके, इस तरीके का हो गया आलू। अच्छा, आलू पर ये देखिए, कभी आइस देखिए इस तरीके की, आइस। यस सर। देखिए आइस, अगर आइस को देखिएगा तो ये ऐसी नजर आती है आइस, और इसके अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज नोड। क्या है ये? नोड। नोड। और नोट पर ये जो छोटा सा नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड। और आप खुद देखिए कि नोट किसकी पहचान है, स्टेम की या रूट की? स्टेम। स्टेम। स्टेम की। तो देख लीजिए स्टेम पर नोट है या नहीं है, और देखिए अगर आप यहाँ से लेकर ये पूरा स्पेस अगर देख रहे हैं तो एक नोट से दूसरे नोट के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इंटरनोड। तो दैट इज एन इंटरनोड। तो इसका मतलब ये है इंटरनोड। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर कैसी लीव्स होती थी, याद करिए। अरे बहुत खूब,
दैट इज एन स्केली ली दैट इज एन स्केली लीफ होती है. क्लियर है बात नहीं है? Yes, sir. क्या yes, बात समझ में आई? आलू क्या है, स्टेम या रूट? स्टेम. और किस टाइप का स्टेम है? ट्यूबर. दैट इज ट्यूबर. तो मैंने कहा कि स्टेम becomes swollen due to food storage. क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, stem becomes swollen due to food storage. जी, food storage in soil. किसके अंदर? मिट्टी में. ओके, तो मैंने कहा कि आईज आर फाउंड, आईज होंगी नहीं होंगी? यस सर. यस सर. व्हिच आर, क्या होगा आईज में, क्या होगा? आईज होगी, लेकिन डिपेंड कर रहा है. क्लियर है? यस सर. यस सर. नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज आर राइजोम. बहुत इंपॉर्टेंट है. So that is a rhizome. ठीक है, राइजोम की अगर बात करें हम, तो मैंने कहा कि ये स्टेम बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने कभी हल्दी देखी है, हल्दी. यस सर. यस सर. हल्दी के जैसा स्टेम होगा, हल्दी के जैसा स्टेम, समझ रहे हैं? या हल्दी इट्सेल्फ भी राइजोम ही है बेसिकली. तो मैंने कहा कि इट इज अ फ्लैशी स्टेम. इज अ फ्लैशी स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली. ग्रो हॉरिजॉन्टली यानी कैसे ग्रो करेगा ये? हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल. ठीक है. फिर मैंने कहा कि नोट एंड इंटरनोड आर कवर्ड विद स्केली लीव. आर कवर्ड विद स्केली लीव्स. किससे कवर्ड रहेगा ये? स्केली लीव से. ठीक है, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं. So that is a ginger. ठीक है, this is ginger. Ginger जानते हैं? Yes sir. अदरक. Okay. अदरक देखा है कभी? Yes sir. अच्छा, इसी तरीके से हल्दी हो गई, इसी तरीके से बनाना. ठीक है, और अगर देखा जाए तो इस तरीके का अदरक होता है, शायद कभी गौर से देखा हो. देखा है ऐसा? yes, नहीं देखा. yes, sir. Yes, sir. और जब अम्मा इसके ऊपर छुरी चलाती हैं, तो ये स्केली लीव ऐसे करके उतारती हैं. उतारती हैं स्केली लीव ऐसे? नहीं. yes, sir. Yes, sir. बताइए. अच्छा, ये जितने मार्जिन्स, ये जो मार्क नजर आ रहे हैं, इन मार्क्स को क्या कहते हैं आप? हाँ जी. नोड. तो डेट इज नोड. ठीक है, और ये क्या है? अरे हाल होती है. इंटरनोड. तो डेट इज एंड इंटरनोड. इंटरनोड, तो ये क्या कहलाते हैं? डेट इज एंड इंटरनोड. तो देख लीजिए कि ये कुछ इरेगुलर टाइप का सा स्टेम नहीं है, और हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताइए. yes, और इस स्टेम पर अगर देखा जाए तो कैसी लीव्स है? स्केली. याद रखिएगा कि अगर जमीन के नीचे है ना, मिट्टी में अगर पत्ती yes, निकल रही है, तो वो स्केली लीफ निकलेगी. कैसी लीफ निकलेगी? स्केली. इसी तरह काना भी है. ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर. yes, चलिए नेक्स्ट आइए.
तो थर्ड इज अ कॉम, ठीक है। कॉम की बात करें तो मैंने कहा कि आपने कभी वो देखी है अरबी? यस सर। नहीं देखी है अरबी? अरबी देखी है? अरबी इट इज अ कंडेंस्ड स्टेम ग्रो वर्टिकली। कैसा ग्रो करेगी ये? वर्टिकली। इट इज ग्रो वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। हाँ जी, अंडर द सॉइल सरफेस। बात समझ गए? Yes, अच्छा sir. तो इसमें आ जाइए कोलोकेशिया। आपने कभी बड़ी वाली अरबी देखी है? No, sir. हाँ जी, कसावा होता है? जी जी जी, कुछ ऐसा ही कुछ होता है। यस सर। ओके, कोलोकेशिया हो गया। इसी तरह सर कंडेंस टाइम क्या होता है? कंडेंस का मतलब है रिड्यूस्ड, छोटा। अच्छा, रिड्यूस्ड स्टेम है, बहुत छोटा सा स्टेम है ये। अगर देखो तो अरबी इस तरीके से तो ग्रो कर रही है, देखो इतनी बड़ी सी है, बस छोटी सी, ये पूरा स्टेम है ये, तो इसीलिए बहुत छोटा सा स्टेम है, तो इसीलिए तो आपने इसको कह दिया कि दिस इज कंडेंस्ड स्टेम। समझे बात? नहीं है? यस सर। यानी स्मॉल है, रिड्यूस्ड स्टेम है ये। कुछ बात समझ में आ गई? टाडेजा कोलोकेशिया जमीखंड, क्लियर। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये भी लिख लीजिए, टाडेजा सेफ्रॉन। कोलोकेशिया के बाद क्या लिखा है? जमीखंड, जेड ए एम आई एन के ए एन डी। हो गया जमीखंड? हाँ जी, आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट आ जाइए बल्ब पर। आपने कोई ऐसा स्टेम देखा जिसकी शक्ल सूरत बल्ब के जैसी होती है? हाँ जी, तो देख लीजिए, दैट इज एन अनियन, गार्लिक। देखा है? नहीं देखा है? यस सर। जी हाँ, तो क्या बात हो रही थी? बल्ब। तो अगर आपने कभी अगर आपने देखा हो अनियन को, तो अनियन का स्टेम ऐसे होता है। ऐसा होता है? नहीं होता? यस सर। क्यों जेबा? यस सर। और इस तरीके की लीव्स आप एक एक करके उतारती हैं? नहीं उतारती? हाँ जी, ऐसे उतरती है? यस सर। नहीं उतरती है? तो ये सारी की सारी लीव जो है ये फ्लैशी लीव्स कहलाती हैं, या स्केली लीव्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्केली लीव्स। स्केली लीव्स भी कह सकते हैं, या फ्लैशी लीव्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? और जरा देखिए यहाँ पर, ये कुछ डिस्क के जैसा स्टेम नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। तो दिस इज द यस सर रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम है। कैसा स्टेम है? रिड्यूस रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम है। क्लियर है ये बात? नहीं है? यस सर। तो ये किस तरीके का स्टेम हो गया? Reduced disc like. जी, इसी तरह अगर आप लेसन को देखेंगे तो लेसन के अंदर भी इसी तरीके के लगे होते हैं। ऐसे लगे होते हैं? नहीं लगे होते, ऐसे करके एक एक करके स्ट्रक्चर्स। yes, हाँ जी, और बीच में एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, और अगर याद हो तो ऐसे करके ये दो इस तरीके से डिस्क नजर आएगी। yes, sir. हाँ जी, देखिए
तो आइए बल्ब पर, तो मैंने कहा कि स्टेम इज रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप्ड। स्टेम कैसा है? रिड्यूस है और रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप। डिस्क शेप बियर फ्लैशी लीव्स। कैसी लीव्स बियर करेगा? फ्लैशी लीव। क्लियर है? यस। और मैनी रूट्स डेवलप एट द बेस। और बेस पर क्या होंगी? हाँ जी, बहुत सारे रूट्स होंगी। देख रहे हैं बहुत सारे रूट्स होंगी। Yes, बहुत सारी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया था? अनियन गार्लिक। और मैंने कहा कि फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड। हाँ जी, फ्लैशी लीव किसको बियर कर लेगा, क्या करेगा? हाँ जी, दैट इज एन स्टोर फूड। तो फ्लैशी लीव स्टोर कर लेगा फूड को। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, एक और चीज है कि ये याद रखिएगा कि स्केरी लीव जो होगी ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगी। नॉन फोटोसिंथेटिक होगी। सो फिर फूड कहाँ से ऑब्टेन करती है? हाँ जी, इसके ऊपर भी लीव्स आ जाएंगी। इसके ऊपर यहाँ लीव्स आएंगी, वो ग्रीन होंगी। और जो स्केली लीव्स है ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगी। कभी आल की प्याज को देखा है? स्प्रिंग ओनियन। हाँ हाँ, आल की प्याज देखिए कभी? नहीं। यस सर। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें। ओके, दैट इज ग्रीन लीव्स होती हैं। दो मिनट रुक जाइए। हेलो सर। गुड। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज सी पर, दैट इज एन एरियल स्टेम पर। ठीक है, दैट इज एन एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। सर अंडरग्राउंड खत्म हो गया? हाँ जी, अब आते हैं एरियल स्टेम पर मॉडिफिकेशन पर। तो आ जाइए स्टेम टेंड्रिल पर। इसकी बात हो रही है अब? स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल पर तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली रहा स्टेम, और स्टेम ने क्या बियर किया हुआ है? दैट इज लीव्स। दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके एंगल में क्या मौजूद होता है? एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जी, तो ये है बेसिकली एक्सिलरी बड। ठीक है, ये है एक्सिलरी बड। और अगर एक्सिलरी बड ऐसे करके स्पाइंस में चेंज हो जाए, टेंड्रिल में चेंज हो जाए, फिलहाल नॉट स्पाइन में, बल्कि ये किस में चेंज हो रहा है? टेंड्रिल में। टेंड्रिल। तो इसको आप कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। क्या कहलाता है इसको? स्टेम टेंड्रिल। तो मैंने कहा कि वन एक्सिलरी बर्ड चेंज इनटू, ये किस में चेंज हो जाएगा? इनटू टेंड्रिल। टेंड्रिल। तो यानी अगर एक्सिलरी बड चेंज हो जाएगा टेंड्रिल में, ठीक है, विच हेल्प इन क्लाइंबिंग। यानी ये किस में हेल्प करेगा? क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग ऑफ, क्लाइंबिंग ऑफ वीक स्टेम। तो वीक स्टेम के अंदर क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। क्लियर है बात? नहीं है? Yes, तो आ जाइए एग्जाम्पल में, डेट इज अ मटर के अंदर। मटर में तो लीफ टेंड्रिल होते हैं।
मटर में लीफ टेंडल होते हैं, इसमें आएंगे ग्रेप्स वाइन, यानी अंगूर की बेल में मिलेगा। इसी तरह पैसिफ्लोरा में मिलेगा। हाँ जी, मनी प्लांट। मनी प्लांट में कहां से तुम्हें टेंडल मिल गए, ऐसे लच्छे बने हुए ऐसे कहां मिल जाते हैं मनी प्लांट में ऐसे ऐसे? ओके सॉरी जी, पैसिफ्लोरा। एक काम ये है, नो सर असली नहीं देखा, ऐसा ऐसी फ्लोरा कहाँ मिलता है बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, तो आ जाइए पैसिव फ्लोरा देख लिया, इसी तरीके से आ जाइए दैट इज अ गाउट्स पर, दैट इज अ लौकी हुआ, पम्पकिन हुआ, ये सब। तो दैट इज अ कुकम्बर, इसी तरीके से पम्पकिन, इसी तरीके से वाटरमेलन, ये है। यहां तक बात समझ गए या नहीं? यस सर। तो चलिए, तो नेक्स्ट आइए। तो ये तो था स्टेम टेंडल पर, अब आते हैं स्टेम थॉर्न पर। किस पर? स्टेम थॉर्न। थॉर्न माने क्या होता है? हाँ जी, थॉर्न माने होता है कांटा। समझ गए। और टेंड्रिल कैसा होता था जल्दी से बताइए, टेंड्रिल अभी दिखाए थे मैंने आपको, कैसा था? ऐसे 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 देख रहे थे? यस सर। हाँ, तो दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कैसा था ये? कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कॉइल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं आप? टेंड्रिल। और इस बार स्टेम थॉर्न को डिफाइन कैसे करेंगे जल्दी बताइए। हाँ जी, जी तो आपने कहा कि व्हेन एक्सिलरी बर्ड चेंज इनटू, किसके अंदर? थॉर्न के अंदर। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, एग्जांपल आ जाइए। तो एग्जांपल में आ जाइए सिट्रस, ठीक है, सिट्रस जानते हैं। इसी तरीके से नहीं, रोज में तो अलग होते हैं, रोज में बेसिकली कांटे दूसरे होते हैं, वो सिंपल थॉर्न होते हैं, ठीक है, वो लीफ का स्ट्रक्चर है, ये स्टेम थॉर्न है। तो दैट इज अ सिट्रस हो गया, और बोगनविलिया भी, या बोगनविलिया, ठीक है, ये है। बात यहां तक समझ गए? फिर मैंने यहां पे लिखा है कि थॉर्न आर वुडी स्ट्रक्चर। कौन कैसे स्ट्रक्चर है? वुडी स्ट्रक्चर। यूज टू अवॉइड किसको अवॉइड करेगा ये? ब्राउजिंग एनिमल को। ब्राउजिंग एनिमल कौन से होते हैं भाई? हाँ जी, सर वो आसपास घूमने वाले animals. जी, ब्राउजिंग एनिमल्स। तो जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, चरने वाले, दे आर कॉल्ड एज ब्राउजिंग एनिमल्स, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ फाइलोक्लेड। कौन सा है? फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड तो मैंने कहा कि ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल होगा, यानी और फ्लैशी सिलेंड्रिकल होगा।
समझ रहे हैं? यस सर. वेयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. जहां पे लीव्स किसमें मॉडिफाई हो गई है? स्पाइंस में. दैट इज स्पाइंस में. समझ रहे हैं? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. क्लियर है या नहीं? यस सर. टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. किसको रिड्यूस करने के लिए है ये? ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस. दैट इज द ट्रांसपिरेशन. बताइए आपने कहां पे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देखा है? फ्लैटेंड स्टेम, बिल्कुल फ्लैट. अच्छा चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ. ऐसे करके देखा है कोई स्टेम? हाँ जेबा देखा है ऐसा? कैक्टस. दैट इज कैक्टस. कैक्टस देखा है कभी? यस सर. देखा है? यस सर. तो देख लीजिए कि दिस इज कैक्टस. ठीक है, ये है कैक्टस. इसी तरीके से यूफोर्बिया है. ठीक है, यूफोर्बिया में ही बहुत कांटे होते हैं. यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर. ओके, स्टेम समझ में आ गए सारे? नहीं आए? यस सर. ओके, तो ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई. तो आपका स्टेम हो गया कंप्लीट. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, दैट इज अ लीफ पर. कौन सी हेडिंग है? दैट इज लीफ. अच्छा एक और चीज है कि मैं आपको कुछ साइन